हेलो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये है गेट बल्ब जो कि ख़राब हो चुका है इसे अभी हम चेंज करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप और फिटिंग्स पूरा जीआई का है लोहा का है जो बहुत पहले यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था फिटिंग हुआ था और ये टैंक भी सिंटेक्स कंपनी का है लगभग 25-30 साल पहले ये यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था फिटिंग हुआ था पूरा पाइप और फिटिंग्स तो ये देख सकते हैं ये जो गेट बल्ब है ये ख़राब हो चुका है ये हमेशा चालू ही रहता है यहाँ से पानी बंद नहीं हो पाता ये पूरा गोल गोल नाच रहा है इसका हैंडल तो अब हम इसके लिए यहाँ पर टैंक निप्पल से ले कर के यहाँ चेंज का निप्पल तक ये टी तक हम चेंज करेंगे टी यही रहेगा इसके लिए हमने सभी सामान मंगा रखा है ये है बोल भल्व टैंक निप्पल यूनियन एम टी और पाइप ये सभी सी वाला है तो अभी हम यहाँ पर सी में इसको चेंज करेंगे ये गेट भल्व को हम खोल लेंगे तो इसके लिए हम यूनियन खोलेंगे क्योंकि ये गेंट भल लम्बा होता तो ये पूरा गोल गोल नहीं नाच पाएगा तो इसके लिए हम यूनियन खोल करके और उसके बाद अंदर से टैंक निपल खोलेंगे आपको दिखा देते हैं अंदर में ये पूरा जी आई का फिटिंग है जो बहुत ही पुराना है तो यहाँ से हम इसे नट को खोलेंगे टैंक निप्पल यहाँ से खोल लेंगे अंदर से तो सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पर यूनियन खोल लेते हैं इस पाइप इंच के ज़रिए से डायरेक्ट पाइपिन से नहीं खुल रहा है इसके लिए हम पहले हाथोड़ी से ठोक लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराना यूनियन फिटिंग हो रखा है ठोकने के बाद हाँ थोड़ी सी ये खुल जाता है आप देख सकते हैं इस तरह से ये खुल रहा है थोड़ा सा चोट लगने पर वो जो उसका जो आयरन है वो हिल डुल जाता है तो उससे ये आसानी से खुल जाता है जी आई पाइप को हमेशा हम खोलने से पहले थोड़ा सा ठोक पीट लेने से आसान हो जाता है खुलने में नहीं तो डायरेक्ट में बहुत ही मुश्किल होता है खोलना अब देख सकते हैं ये आसानी से खुल चुका है और ये निप्पल भी नहीं खुलाता उसके लिए हमने पूरा हाथ थोड़ी से टी को पीट लिया है अब देख सकते हैं बढ़िया से पीटने पर यह आसानी से खुल जाता है अब देख सकते हैं इस तरह से ये खुल चुका है जिया वाला जो भी पाइप और फिटिंग है उसे खोलने के लिए लोहा क्योंकि लोहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है तो उसे थोड़ा सा ठोक पीटना ही पड़ता है अब हमें यहाँ पर भी इसे भी थोड़ा सा टैंक निप्पल को भी पीटना पड़ेगा थोड़ा सा हाँ थोड़ी ले करके तो हमने पीट लिया तो आप देख सकते हैं किस तरह से आसानी से खुल रहा है जी को हमेशा खोलने से पहले जी वाला पाइप और फिटिंग्स को अब देख सकते हैं ये खुल चुका है थोड़ा सा पीटना ही पड़ता है तभी जा करके वो खुल पाता है तो अब हम सबसे पहले इस टैंक निपाल को यहाँ फ़िटिंग करेंगे तो इस टैंक निपाल के नट को हमने खोल लिया है और इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर घुस रहा है कि नहीं ये ढीला ढीला घुस रहा है तो इस पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा टेप टेप लगा लेते हैं ताकि ये लीकेज प्रूफ हो जाएगा अब हम इसे इस नेपाल को अंदर से टाइट कर लेते हैं नट को इसके चूड़ी को इसके एक पार्ट को इस तरह से हम तोता प्लास से इसके नट को हम टाइट कर लेंगे अब देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है अब हम सबसे पहले एम को भी टाइट कर लेते हैं ये इस टी में लगेगा जो जी आई का टी है इसे लोहा से हम सी सी में कनेक्ट करने के लिए हम एम टी या एफ टी का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से हमने एम टी को यहाँ पर प्लेन एम टी हमने यूज़ किया आप चाहें तो ब्रास एम टी का भी यूज़ कर सकते हैं ये एक इंच का एम टी है अब उसके बाद हम इस तरह से इस बोल बल्ब को फिटिंग करेंगे इसका भी टुकड़ा हमने काट रखा है इस तरह से हम सॉल्वेंट लगा करके दोनों में और फिटिंग कर लेंगे इस तरह से ये चिपक चुका अब हम टैंक निपल में इसे कनेक्ट करेंगे बोल भाल को और हमेशा टैंक निपल टैंक के बाद हमेशा पहले बोल भल भी लगाएं जिस तरह से पहले लगा हुआ था यही लगाने का सही तरीका है उसके बाद हम यूनियन लगाएंगे इस तरह से हम यूनियन को भी फिटिंग कर लेते हैं और हमेशा हम बढ़िया से सोलवेंट लगाएं ताकि लीकेज ना हो और मजबूती भी बढ़िया से हो साफ करके यूनियन भी हमने एक पल्ला टाइट कर लिया दूसरा को भी हम फिटिंग कर लेते हैं तो बढ़िया से हम सॉल्वेंट का हमेशा यूज़ करें तो इस तरह से हम यूनियन का एक दूसरा पल्ला को भी फिटिंग कर लेते हैं उस एम के साथ और इस तरह से आप देख रहे हैं पूरा फिटिंग हो रख हो रहा है बड़ा ही आसानी से ये सब फिटिंग हो रहा है और हमेशा हम साफ़ सुथरा काम करें ताकि काम दिखने में भी खूबसूरत होगा और काम भी बढ़िया होगा तो इस तरह से हम यूनियन को भी टाइट कर रहे हैं लगभग ये फिटिंग हो चुका है आप देख सकते हैं और बोल वाल्व को हम थोड़ा सा दो चार बार चालू करके चेक कर लेंगे चालू बंद करके ताकि उसमें सॉलबेंट जो होगा वो साफ़ हो जाएगा वहाँ पर चिपक नहीं पाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हमने चेंज किया यहाँ पर जी से यहाँ टैंक निपल तक वहाँ पर हमने एम लगाया है और यहाँ पर टैंक निपल हमने पूरा चेंज ही कर दिया है तो इस तरह से हमने गेट वाल्व को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया सी सी पाइप और फिटिंग्स में गेट भल्व के जगह हमने बोल हल्व लगा दिया है ये एक इंच का सी पी सी वाला बोल हल्व वाल है तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने जी आई पाइप और फिटिंग्स को खोला और बड़ा ही आसानी सी से इसे हमने फिटिंग कर दिया जी आई पाइप और फिटिंग्स को खोलने के लिए हमेशा हमें थोड़ा सा ठोकना पीटना पड़ता है क्योंकि वो थ्रेड वाला होता है तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं पच्चीस तीस साल पहले यहाँ पर ये टैंक फिटिंग हो रखा था इंस्टॉल हो रखा था पूरा पाइप वायरिंग उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किस तरह से जी आई पाइप और फिटिंग्स को रिप्लेस किया जाता है सी पी वी सी पाइप और फिटिंग्स में इसी तरह तो प्लबिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर प्लम्बर को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद